इंडिक एकेडमी दरअसल एक दक्षिण भारत में एंटरप्रेन्योर हैं हरिकृष्ण वाडलामणि, उनके ब्रेन चाइल्ड है और पिछले कई वर्षों से यह एकेडमी सहज रूप से सनातन विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रही है। हरिकृष्ण तेलुगु मूल के हैं, सिंगापुर में रहते हैं और मैं इसको पढ़ देता हूँ जो उन्होंने अपना भेजा है। पर इंडिक एकेडमी इज अ ट्रस्ट कंसीव्ड बाय श्री हरिकृष्ण जी हु हैज डिवोटेड हिज रिसोर्सेज मनी इमोशन एंड टाइम टू द कॉज ऑफ इंडिक थॉट। वी एट द इंडिक एकेडमी सीक टू बिल्ड इंटेलेक्चुअल कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रेनेसांस बेस्ड ऑन इंडिक सिविलाइजेशनल थॉट। We have local chapters through which we help writers, authors, philosophers, intellectuals and academicians spread the Indic thought. We support students working on Indic ethos. We support activists who work for Indic civilization. We support all those who walk on the path of Dharma. We conduct talks, workshops, courses, honor our gurus who have worked for this renaissance of Indian culture. We will soon be launching the Jaipur chapter of Indic Academy. A step in this process, we are happy to be supporting Sri Sanjay Dixit's book, Krishna Gopeshvara, and we hope to support more of these works in time to come. ये तो हुई Indic Academy की बात। अब संक्षेप में दो मिनट में मैं इस किताब के बारे में कुछ कह दूं। भगवान कृष्ण 16 कराओं से संपूर्ण पुरुषोत्तम योगेश्वर, इतना विराट व्यक्तित्व है कि उनको एक किताब या एक प्रतिपादन से समझना तो बहुत कठिन होगा। ऐसा समझें कि कोई सागर की व्याख्या करने जाए तो इस छोटी सी आंख से वो सागर की क्या व्याख्या करेगा। जो अरब सागर को देखेगा वो अरब सागर की व्याख्या कर देगा और अरब सागर का भी वो गुजरात से देखेगा तो उसे कुछ और नजर आएगा, महाराष्ट्र से देखेगा तो कुछ और नजर आएगा, रंग ही बदल जाएगा। अगर वो बे ऑफ बंगाल की बात करेगा तो कुछ और, आर्कटिक ओशन की बात करेगा तो कुछ और। सागर वही है लेकिन चूंकि देखने वाले की दृष्टि बहुत सीमित है, मायोपिक है, हम यौगिक दृष्टि से हमारा पाला नहीं पड़ा है, इसलिए हम उस संकुचित दृष्टि से ही कृष्ण, उनके संदेश और भगवद गीता का प्रतिपादन कर लेते हैं। तो इस यात्रा में संजय जी की यह किताब बहुत सुंदर एक मील का पत्थर साबित होगी दो कारणों से। पहला जो उन्होंने बताया खुद कि श्री कृष्ण के चरित्र को यदि हम चमत्कारों में डुबो देते हैं, उन्होंने चिटकी उंगली पर पर्वत उठाया था, उन्होंने चक्र से गर्दन काट दी थी, तो वो बच्चों की कहानी तक तो ठीक है लेकिन आधुनिक समाज में जब वैज्ञानिक युग में बच्चा हमसे सवाल पूछता है कि क्या यह संभव है इस तरह से होना, तो उसका एक आधुनिक प्रतिपादन, एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसा कि संजय जी ने खुद इस वीडियो में बताया कि कितना सुंदर उन्होंने एक रूपक दिया कि कृष्ण ने कोई चिटकी उंगली पर पहाड़ उठाया हो न उठाया हो, लेकिन उन्होंने कोई स्थान ऐसा ढूंढा जहां वो उस लोगों को ले गए और उनकी रक्षा हुई। ऐसा ही एक उदाहरण जो मैं अपने टॉक्स में देता हूं वह है द्रौपदी का चीरहरण। द्रौपदी का चीरहरण कोई कृष्ण ने आकर वहां पर ऐसे कुछ नहीं किया कि 5000 गज तक साड़ी बढ़ गई। कृष्ण कोई ऐसा तर्क लाए होंगे, कोई बात उन्होंने उस सभा में कही होगी कि एक इनोसेंट निरपराध स्त्री का चीरहरण एक सभ्य समाज में नहीं किया जा सकता, किंतु हम अपनी चेतना को इतना चकाचौंध किए हुए चमत्कारों से कि हमने वो मूल बात ही खो दी कि कृष्ण ने क्या तर्क दिया होगा वहां पर। तो श्री संजय दीक्षित जी की यह पुस्तक उस दिशा में बहुत सार्थक प्रयास है कि हमें श्री कृष्ण का जीवन, उनके जीवन के आसपास जो चमत्कार हमने रच रखे हैं, उनका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन हो। दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है इस किताब के लिए वो हो जाती है, वह है श्री कृष्ण के बारे में एक ऑथेंटिक टिप्पणी करना। यह हिंदू धर्म की महानता है कि हम किसी एक व्यक्ति, एक किताब या एक विचारधारा से नहीं बंधे हैं।
तो हम यदि इतना साहस रखें कि एक साधारण हिंदू भी हमारे सबसे बड़े अवतार पर कुछ कह सकता है, यह विराटता, यह उदारता, यह विशाल हृदयता, यह सहजता, यह हमारे धर्म का एक बहुत बड़ा वरदान हमें है जो जो हमें किसी भी कीमत पर बचाना है। मैं जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बात हंटिंगटन से करें या मिन्हाज मर्चेंट ने लिखी है या जो अब आधुनिक किताब जो संजय जी ने इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बात करी है, वो क्लैश इस वक्त चल रहा है। हम उसे प्रति उसके प्रति संवेदनशील हो या ना हो, वो क्लैश, द क्लैश इज ऑन राइट नाउ, द क्लैश ऑफ फ्रीडम वर्सेस स्लेवरी। अब हमें सिर्फ इतनी स्वतंत्रता है कि हम ये चुनाव कर लें कि हम स्वतंत्रता की तरफ होंगे या गुलामी की तरफ। यह किताब हमें उस चुनाव को करने में सहायता करेगी। मेरी हार्दिक बधाइयां, मंगल कामनाएं संजय दीक्षित जी को। धन्यवाद, आपने इतने प्रेम से बात सुनी।